शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन VCN न्यूज़ को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से कामगार प्रताड़ित, अब तक नहीं दिया गया है वेतन। नागपुर डिवीजन अंतर्गत पिछले 10 से 25 साल से करीबन 100 कामगार LIC में विविध जगहों पर कार्यरत है, जिसमें 80 कामगार भारतीय मजदूर संघ में शामिल होकर एक संघ हुए। के मान वेतन व भविष्य निर्वाह निधि तथा राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू करने की मांग सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय को ज्ञापन देकर की गई। 28 सफाई कामगार ठेका पद्धति पर, 2 कामगार रोजंदारी पर काम पर रखे गए, 50 कामगार काम पर नहीं। यह भूमिका LIC मैनेजमेंट ने लेने से कामगारों पर भूखे मरने की नौबत आ रही है। सभी कामगार लॉकडाउन, कुछ कामगार काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं देते हुए उनके बिल से 4 से 5 हजार वेतन दिया जा रहा है। सहायक श्रम आयुक्त ने इसकी दखल लेकर सदर प्रकरण की जानकारी LIC प्रशासन को मांगी है। इस समय पर चर्चा कर कामगारों के प्रश्न तुरंत हल करने की सूचना आयुक्त ने दी है। 80 कामगारों में से 28 कामगारों को सफाई कर्मचारी व 2 को रोजंदारी पर रखा गया, 50 कामगार काम पर नहीं बताकर उन्हें बेकार कर दिया, उनके पास भी कागजात है। सहायक श्रम आयुक्त ने प्रकरण CGIT कोर्ट में वर्क किया। प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के बावजूद मैनेजमेंट ने उन्हें काम से निकालने की भाषा बोल रहे हैं। कामगारों को जुलाई से तो कुछ कामगारों को मार्च अप्रैल से अब तक वेतन नहीं दिया गया। कोरोना के संकट में वेतन नहीं मिलने से कामगारों के परिवार पर भूखे रहने की नौबत आन पड़ी है। सभी कामगार मानसिक तनाव में है। किमान वेतन कायदा के अनुसार वेतन व काम तथा भविष्य निर्वाह निधि राज्य कर्मचारी बीमा योजना में कटौती, इस मांग को न्याय नहीं मिला। LIC कार्यालय के सामने परिवार के साथ आमरण उपोषण करने का इशारा कामगारों ने दिया है। कामगार के इस मांग की जाँच करने की मांग भारतीय मजदूर संघ नागपुर ने की है। भारतीय जीवन बीमा निगम में पिछले 10 से 25 साल से 10 साल से लेके 25 साल तक के रोजंदारी कामगार जीवन निगम बीमा में काम कर रहे हैं, और यह कामगारों को किमान वेतन मिलना चाहिए, इनका भविष्य निर्वाह निधि कटना चाहिए, और अन्य जो किमान वेतन कायदे के अनुसार जो इनको पगार मिलना चाहिए, इसके बारे में भारतीय मजदूर संघ की ओर से पिछले लगभग 2 साल से जीवन बीमा निगम के साथ में इस विषय पर हमारी कामकाज शुरू है कि इन लोगों को नहीं परमानेंट कर सकते तो कम से कम इनको मिनिमम वेजेस दीजिए, भविष्य निर्वाह निधि दीजिए। ऐसे हमारी चर्चा माननीय कामगार आयुक्त, केंद्रीय कामगार आयुक्त और हमारे जीवन बीमा निगम के जो डिविजनल मैनेजर है उनके साथ में हमारी चर्चा चालू है। उसमें से लगभग 80 कर्मचारी थे, यह 80 कर्मचारियों में से लगभग 28 कर्मचारियों को इन्होंने भारतीय मजदूर संघ की बात के माध्यम से और माननीय केंद्रीय श्रम आयुक्त के माध्यम से इन्होंने 28 लोगों को 11 महीने के लिए कंत्राटी पद्धति से, ठेका पद्धति से इन्होंने उनको 28 लोगों को काम पर लगा लिया और 2 कामगारों को रोजंदारी पे काम दे दिया। पर उर्वरित जो 50 लोग है, वो 50 लोग अभी तक के वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको अभी भी किमान वेतन नहीं मिल रहा है, भविष्य निर्वाह निधि नहीं मिल रहा है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। 25-25 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इस बात को लेके फिर से भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय श्रम आयुक्त की तरफ जब आवाज़ उठाई, तो केंद्रीय श्रम आयुक्त ने जब डिविजनल जो मैनेजर है LIC के जीवन बीमा निगम के, उनके साथ में विषय पे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे कोई कर्मचारी हमारे पास में काम ही नहीं करते हैं, और इस लॉकडाउन का बहाना लेकर, इस लॉकडाउन का फायदा लेकर उन्होंने धीरे 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 अब कर्मचारियों को काम पर से बंद करने के लिए अपने ऑफिसर्स लोगों को उन्होंने सूचना दे दी है, और पिछले 3 महीने से इन लोगों को वेतन भी नहीं दिया है। तो इस प्रकार का जो रोजंदारी कर्मचारियों के साथ में जीवन बीमा निगम ने जो खिलवाट किया है, उनके आयुष्य के साथ में, जीवन के साथ में जो खिला है, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ, अगर इस बात पे अगर वो न्याय नहीं देते हैं कर्मचारियों को, तो ये रोजंदारी कर्मचारियों के साथ में, उनके परिवार के साथ में भारतीय मजदूर संघ जीवन बीमा निगम के कार्यालय के पास में आमरण अनशन के लिए बैठेगा। ऐसा भारतीय मजदूर संघ ने जीवन बीमा निगम के डिविजनल को बताया है, माननीय केंद्रीय श्रम आयुक्तों को भी बताया है, और केंद्रीय श्रम आयुक्तों को बहुत सारे कागज पत्र जो है, ये 50 लोगों के ये काफ़ी महत्वपूर्ण कागज पत्र है, वो LIC में कार्यरत है, उसके पूरे प्रूफ है, तो इन्होंने CGIT कोर्ट में भी माननीय श्रम आयुक्त ने इस प्रकरण को डाला है। तो हमारा ऐसा कहना है कि इन 50 लोगों को
अभी का कम से कम 11 महीने के माध्यम से जैसा 30 लोगों को आपने लिया है, वैसा ही इन 50 लोगों को भी ठेका पद्धति से हो सकेगा तो ठेका पद्धति से, रोजनदारी पद्धति से अगर हो सकता है तो रोजनदारी पद्धति से, पर काम दिया जाए, काम निकालना नहीं चाहिए, काम उनका रोजगार नहीं जाना चाहिए, यह भारतीय मजदूर संघ की मांग है। और लॉकडाउन के माध्यम से देश में विषाणु महामारी के माध्यम से पूरा देश बंद है, राज्य बंद है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने सारे उद्योगों को, सारे कंपनियों को, सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बताया है कि कोई भी कर्मचारियों को पगार से वंचित नहीं रखना, किसी को काम पर से नहीं निकालना। इस प्रकार की सूचना देने के बाद में भी LIC के डिविजनल मैनेजर ने इन कर्मचारियों के साथ में अन्याय किया है। इस अन्याय के खिलाफ में भारतीय मजदूर संघ रास्ते पे उतर कर आंदोलन करेंगे। इतनी चेतावनी मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला प्रमुख के नाते माननीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को देना चाहता हूँ। इन कर्मचारियों को न्याय देवे, इतनी ही विनंती है। NBCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।